सीरीज और आज हम बात करेंगे सिंगल टास्किंग यूजिंग थ्रेड मींस थ्रेड की सहायता से हम सिंगल टास्क प्रोसेसिंग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंगल टास्किंग प्रोसेसिंग को पहले समझते हैं, ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं बट हम किसी यूज़र को एक बार फिर बता देते हैं। सिंगल टास्किंग फॉर एग्जांपल, सपोज हम एक बस का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऐसी बस जिसमें एक सिंगल पर्सन ड्राइव कर रहा है, मींस कार को ड्राइव कर रहा है या ड्राइवर वही है। देन वो फिर क्या करता है, कुछ टाइम बाद कार बस को रोक के फिर वो क्या करता है, वो खुद ही टिकट काटने भी लग जाता है। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, एक सिंगल टास्किंग एग्जांपल है। या आप कोई मूवी हॉल का एग्जांपल ले तो एक ही पर्सन क्या कर रहा है, टिकट काट रहा है, देन फिर वही पर्सन जाके आपको सीट भी दिखा रहा है कि आपको कौन सी सीट आपका अलॉट हुई है। तो मीन्स एक ही पर्सन क्या है, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा है या सारी टास्क को एक ही पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल टास्किंग प्रोसेसिंग। तो हम एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और हम इसको लेंगे सिंगल टास्किंग यूजिंग थ्रेड। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें नई क्लास क्रिएट करते हैं और इस क्लास का हम नाम देते हैं माय थ्रेड। अब क्या करते हैं, इस क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे या इनहेरिट करेंगे थ्रेड क्लास से, थ्रेड क्लास से हमने इनहेरिट किया। देन हम क्या किया, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे रन मेथड। ऑलरेडी हम रन मेथड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं किसका कहाँ और कब यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम तीन टास्क लेते हैं, टास्क वन, सिमिलरली हम यहाँ पर टास्क टू, देन टास्क थ्री। अब यहाँ पर हमारे पास तीन टास्क हैं। अब यहाँ पर इसके बाहर आएंगे और यहाँ पर हम लेंगे void task वन को बॉडी देंगे, देन इसमें हम लिखेंगे प्रिंट करवाएंगे system.out.println और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज टास्क वन। या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, दिस इज टास्क वन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, टास्क टू एंड टास्क थ्री के लिए भी लेंगे, यहाँ पर टास्क टू एंड टास्क थ्री, यहाँ पर टास्क टू एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं टास्क थ्री। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास के बाहर आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नई क्लास क्रिएट करेंगे डेमो। देन इस डेमो क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक अपनी मेन मेथड लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी क्लास है माई थ्रेड, हम इसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे माई थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू, हम इसका ऑब्जेक्ट का नाम लेते ऑब्जेक्ट शायद हमारी क्लास में कुछ मिस्टेक ओके यहाँ पर हम लेते हैं। देन हम क्या करेंगे, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टी इक्वल्स टू
न्यू सॉरी ओके, अब यहाँ पर थ्रेड लेंगे, देन इस थ्रेड में हम क्या पास करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को या माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट को, देन टी डॉट यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट। तो जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ टी डॉट स्टार्ट करेंगे, ये जाएगा सीधे हमारी रन मेथड पर और रन मेथड की टास्क एग्जीक्यूट करेगा। तो देन सबसे पहले हमारी टास्क वन एग्जीक्यूट होगी, देन फिर टास्क टू एग्जीक्यूट होगी, देन टास्क थ्री एग्जीक्यूट होगी। अब हम क्या करते हैं इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वन बाय वन हमारी टास्क एग्जीक्यूट हुई। सबसे पहले हमारी टास्क वन एग्जीक्यूट हुई, देन टास्क टू एग्जीक्यूट हुई, देन टास्क थ्री एग्जीक्यूट हुई। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे पहले हमारी रन मेथड कॉल हुई, उसके अंदर सबसे पहले हमारा टास्क वन मेथड है, देन फिर टास्क टू है, देन टास्क थ्री। तो ये था हमारा सिंगल टास्किंग यूजिंग थ्रेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।